घर पे जब हम खाना बनाते हैं ना, जब हम सब्जियां छीलते हैं काटते हैं, तो बचे कुचे जो रियूज होता है ना, जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे हम अंडा की आमलेट बना रहे हैं या अंडा की सब्जी बना रहे हैं, तो छिलके वगैरह होते हैं ना, तो हम उनको फेंक देते हैं। देखिए, इनको कभी भी नहीं फेंकना चाहिए। जैसे हम प्याज छीलते हैं तो छिलके को फेंक देते हैं, लहसुन छीलते हैं लहसुन के छिलके फेंक देते हैं, कोई भी सब्जी है तो कभी भी जो ये सब्जियों के छिलके होते हैं ना या फलों के छिलके होते हैं, कभी भी इनको फेंकना नहीं है। इससे आप बहुत ही बेहतरीन खाद बना सकते हैं, लिक्विड, ठीक है, फर्टिलाइज़र जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। पेड़ पौधे अगर कमज़ोर हैं, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे सूखते जा रहे हैं, यहाँ तक कि कोई कोई पौधा बिल्कुल मर जाता है, उसको भी ज़िंदा कर देता है ये। जैसे इंसान के लिए दूध, घी और जैसे जूस होता है अनार का, सेब होते हैं, ताकत के लिए होते हैं इंसान के शरीर के लिए, उसी तरह से पेड़ों के लिए, पौधों के लिए ताकत का काम करते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र। और ये बनता है जैसे हम घर पे फल फ्रूट खाते हैं, सब्जियां छीलते हैं काटते हैं, जो रियूज हो जाता है ना, हम उसको फेंक देते हैं, उसको कभी फेंकना नहीं है। तो देखिए, अभी देख सकते हैं ये जो पौधा आप देख रहे हैं ना एलोवेरा का, ये बिल्कुल मरा हुआ था, रास्ते में मुझे मिला था, ये सूखा हुआ था बिल्कुल, बहुत ही 19-20 ये ग्रीन दिख रहा था, हल्का हल्का, बाकी बिल्कुल सूख रहा था ये। इसकी जड़ को काट करके देखिए, मैंने यहाँ पर भी लगाया था, ये देखिए यहाँ से भी ये ग्रो होना शुरू हो गया है। जब ये बड़ा हो जाएगा, यहाँ से हम इसको किसी दूसरे पोट में सिलेक्ट कर देंगे। तो इन चीज़ों को हरा भरा कैसे करना है, मरे हुए पौधे को ज़िंदा कैसे करना है, यही एक ताकत की चीज़ होती है जो लिक्विड हम घर पे बनाते हैं। तो देखिए, पौधे बहुत प्रकार के होते हैं। कभी भी जैसे आप तुलसी का पौधा लगा रहे हैं, तो तुलसी के पौधे में आपको अंडे के छिलके वाले फर्टिलाइज़र नहीं देना है। मांस मच्छियाँ का जो फर्टिलाइज़र होता है, बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ तक कि मांस भी के टुकड़े कचरे में डाल देते हैं गलती से, उसी का फर्टिलाइज़र तैयार कर देते हैं। जैसे छिलके होते हैं उसमें गलती से डाल दिया, मछली के टुकड़े हैं, चिकन के हैं, और गलती हो जाती है, सोचते हैं रियूज़ है, इसको हम पेड़ पौधों में फर्टिलाइज़र तैयार कर देंगे। तो कभी भी मांस मच्छी हुए, अंडे के छिलके हुए, इनको एक तुलसी के पौधे में नहीं डालना है, क्योंकि तुलसी में देवी का वास होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। बाकी के आप किसी भी पौधे में देखिए, यहाँ पे मेरा एलोवेरा का पौधा है, यहाँ पे देखिए कितना बेहतरीन जड़ी बूटी औषधि है ये। इसको मैंने उखाड़ के नहीं फेंका है, क्योंकि मुझे इसके ऊपर भी वीडियो बनाना था। ये छोटी दूधिया घास है, बहुत ही बेहतरीन चीज़ होती है पेट के लिए। यहाँ पर देखिए मैंने भृंगराज के पौधे भी लगा रखे हैं। तो कहने का मतलब ये है, देखिए इसको आप 24 घंटे के लिए रख सकते हैं, और भी ज़्यादा समय के लिए, जितना पुराना होगा ये उतना इसमें ताकत बनेगी। तो इसको छान करके हम क्या करेंगे, पेड़ पौधों के जड़ों में डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने छान लिया है, ये लिक्विड है, खाद तैयार हो गया हमारा। तो हम इसको क्या करेंगे, एलोवेरा के नीचे डाल देंगे। इससे क्या होगा, इसमें बहुत ज़्यादा ताकत आ जाएगी, और ये और भी हरा भरा तेज़ी से ग्रो होगा ये। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा हमें डाल देना है। ये भृंगराज के पौधे मैंने लगा के रखे हैं यहाँ पे, ये बालों के लिए बहुत ही गजब की चीज़ है। तो इस तरह से आप अपने पेड़ पौधों को और भी ताकतवर, जल्दी जल्दी ग्रो कर सकते हैं। इस तरह से फर्टिलाइज़र हफ्ते में एक बार आपको ज़रूर देना है, इससे पौधे हरे भरे होते हैं, मरा हुआ पौधा भी ज़िंदा हो जाता है। इस तरह से काम करना है अगर आप पेड़ पौधों के शौकीन हैं तो, ठीक है। ये छोटा सा जानकारी था, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी ऐसी आगे भी मैं यूज़फुल टिप्स लाने वाला हूँ चैनल पे। थैंक यू सो मच।